कंगना रनौत की इमरजेंसी विवाद को लेकर गिरपी ग्रेवाल और गुरप्रीत बोले सिनेमा का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी की रिलीज पोस्टपोन हो गई है। इस बीच गिरपी ग्रेवाल और पंजाबी एक्टर गुरप्रीत सिंह गुग्गी ने फिल्म को लेकर अपनी बात रखी है। गुरप्रीत का कहना है कि हमें फिल्मों को किसी एजेंडा के साथ नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि हमें सिनेमा का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गुरप्रीत ने यह इमरजेंसी फिल्म के पोस्टपोन होने पर कहा है। गुरप्रीत ने आगे कहा, हम भी फिल्म इंडस्ट्री से हैं। इस फिल्म की तरह हमारी भी फिल्म अरदास सरबत दे भल्ले दी आ रही है। हमने फिल्म एंटरटेनमेंट के लिए बनाई है। हालांकि अगर मैं इस फिल्म के जरिए कोई एजेंडा लेकर आता हूं तो वो गलत है। सिनेमा का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। एक्टर ने आगे कहा कि मुझे जो सही लगता है उस पर सिनेमा नहीं बना सकते, वो गलत होगा। अगर आपकी रिसर्च सही नहीं है और आपका ज्ञान अधूरा है तो दर्शक और जो धार्मिक संगठन होते हैं उन पर निशाना नहीं साधना चाहिए। हमने फिल्म नहीं देखी है, लेकिन जो हमने टीज़र और ट्रेलर देखा है उसे देखकर लग रहा है कि उन्होंने ऐसी चीज़ें शामिल की हैं जिन पर आपत्तियां उठनी तय होंगी। लोग सवाल उठाएंगे और अगर उन्हें लगता है कि फिल्म रिलीज़ होगी तो मुझे उसमें शक है। गिरपी ग्रेवाल ने वहीं अपनी फिल्म का उदाहरण देते हुए कहा है कि हम वो लोग हैं जो हर दिन गुरुद्वारे जाते हैं और फिल्म बनाते हैं। यहाँ तक कि फिल्म बनाने से पहले और कंप्लीट होने के बाद हम स्क्रिप्ट को तख्त श्री हजूर साहिब के पास दे देते हैं अप्रूवल के लिए। गिप्पी ने बताया कि वह किसी भी विवाद से बचने के लिए धार्मिक अधिकारियों से फीडबैक जरूर लेते हैं। गिप्पी ने आगे कहा, शूटिंग के बाद हम उन्हें फिल्म को दिखाते हैं और सेंसर बोर्ड को कि उन्हें कोई गलती तो नहीं लग रही फिल्म में। वह पहले हमें NOC देते हैं और फिर हम इस NOC के बाद फिल्म को सेंसर बोर्ड में सबमिट करते हैं। अगर आपने होमवर्क नहीं किया है सब्जेक्ट पर तो आपको पहले पूछना चाहिए। अगर बिना होमवर्क किए आप अपनी तरफ से चीज़ें करेंगे तो आपत्ति तो होगी ही। कंगना की फिल्म इमरजेंसी की बात करें तो इसमें कंगना ने न सिर्फ एक्टिंग की है बल्कि आपने इसको प्रोड्यूस भी किया है और डायरेक्ट भी किया है। फिल्म में कंगना रनौत के अलावा अनुपम खेर, श्रेयस तरपड़े, महिमा चौधरी, मिलिंद सोमन और दिवंगत एक्टर सतीश कौशिक भी हैं।